आज जो है हमारा जो ज़िला है डिस्ट्रिक्ट मटियारी पुलिस पार्टी का किला है। आज हमने कहीं बहुत देखा है, पूरे शहर में चले देखा भी है, कहीं पे भी इस हवाले से कोई बैनर नहीं लगा हुआ। अगर कहीं पे अत्यधिक बड़ी बात तो ये है कि हम जब हॉस्पिटल पहुँचे वहाँ पर भी पुलिस मेडिकल वालों का जो है बैनर लगा था, वो भी ऑफिस का, और हेल्थ डिपार्टमेंट का जो बैनर बनवाया गया था वो भी इतना छोटा था। जो तीन तकरीबन मुनद की गई हैं जैसे दरगाह में कुरान खानी का एहतमाम पानी आता सर, वो भी वहाँ पर दरगाह में कुरान खानी भी नहीं हो सकती। और इतने बड़े कारकुन हमारे होते हैं, इतना मतलब ज़िला होके और पुलिस पार्टी के नाम होके ये सारी कारगुजारी हो रही, और कौन से ये ऐसे इख्तलाफात हैं जो ये सही बातें होती हैं? देखें, पहले तो आज मोहतरमा बेनज़ीर साहबा की सालगिरह है, तो उस पर मैं सारे आवाम को, पाकिस्तान के आवाम को और जितने भी पाकिस्तानी हमारे भाई बाहर रहते हैं उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। और जो मोहतरमा की सालगिरह से हमें सबक मिलता है वो जदोजहद का सबक है कि हमें जदोजहद करनी चाहिए अपने हुकूक के लिए, अपने वतन के लिए और अपने लोगों के लिए, हमें मुसलसल जदोजहद करनी चाहिए। और मैं आज गया था सिविल हॉस्पिटल में, हमारे तहलका हॉस्पिटल में भी, तो अभी कुछ लोग आ रहे थे, कुछ लोग आएंगे। यहाँ पर प्रेसिडेंट साहब हमारे हैं ज़ियाद इंशा, उनसे मैंने पूछा है कि वो आ रहे हैं। और इंतज़ामिया कुछ सही है, कुछ सुस्त है, इंतज़ामिया का भी इसमें रोल होता है, क्योंकि जो एहतियात दिए जाते हैं खून के, उनको रखना, महफूज करना और फिर वहाँ पर पहुँचाना, ये एक मरहला होता है जो मुश्किल होता है, इसमें इंतज़ामिया का साथ बहुत ज़रूरी है। और फातमीद वालों का भी मैं बात करूँगा कि वो भी आए हैं, उन्होंने भी हमारा बड़ा अच्छा साथ दिया है। और अभी सैदाबाद में नहीं गया, मटियारी अभी जाऊँगा मैं यहाँ से जाते हुए, वहाँ देखूँगा कि क्या सूरत हाल है। और यहाँ लोकल मैंने ज़ियाउद्दीन शाह से पूछा है कि वो किस तरीके से इख्तलाफात हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, और वो ज़िले के सदर और जो तहलके के सदूर हैं उनके दरमियान है, और उसकी दो मीटिंगें हो चुकी हैं, एक जनाब ताज हैदर साहब ने की है, और उन्होंने मेरी गुजारिश पे साई कायम अली शाह जो हमारे सदर हैं उनकी उनको गुजारिश की थी मैंने कि वो सबको बुलाएं और फैसला करें, क्योंकि जैसा आपने कहा ये डिस्ट्रिक्ट मटियारी वाकई पीपल्स पार्टी का गढ़ है और पीपल्स पार्टी के लोग यहाँ से जीतते हैं, चाहे MNA हो, चाहे MP हो या चाहे ज़िला काउंसिल हो या UC लेवल पे, सब वोट जो है पीपल्स पार्टी को मिलते हैं। तो एक मीटिंग हो चुकी है इनकी, और मेरे ख्याल में एक और भी होगी जिसमें बैठ के जो इनके तनाज़ात हैं या जिन जिन बातों पे उनको एक दूसरे पर गुस्सा है उसको बैठ के हम ठंडा करेंगे, क्योंकि ये ऐसी बात है कि इसको लीडरशिप ही दूर कर सकती है। तो इंशाल्लाह ये जो तासुर है वो भी ख़त्म हो जाएगा और जो लोगों में बेचैनी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो दूसरा ये है कि पुलिस में जो बंदों का काम चालू है, डिस्ट्रिक्ट हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मटे के साथ जो काम किया जा रहा है वो वहाँ से मटे तो शुरू हुआ है, मगर इस तरफ अभी तक भानोट में, भानोट के भी ज़्यादा तरीन रिपोर्ट ये है कि परसों में हम गए थे अपने सर्वे के हिसाब से तो कम से कम 55 फीट से ज़्यादा जो स्पेयर जो बना, नया जो स्पेयर बना था सर वो बह गया है, वो हमारे सामने आँखों के हमारे सामने हुआ है। और ऐसी सूरत हो रही तो अभी जो सैलाब आ रहा है उसके बारे में देखें, जो इरीगेशन डिपार्टमेंट है हमारा वो बड़ी मेहनत से काम कर रहा है, जो हमें रिपोर्ट मिलती है, क्योंकि हम गए तो नहीं है उधर पर्सन ने यहाँ कहा, क्योंकि अपने इलाके में ही रह के वो करना पड़ता है। अब मैं जैसे हमारे बजट का सेशन ख़त्म होगा तो मैं करूँगा इसका दौरा पूरा बंदों का, और अभी DCO भी छुट्टी पे गया हुआ है बाहर, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप सब लोगों को लेकर, जो आप यहाँ के भी हैं, आप मीडिया के भी हैं, सबको लेकर एक हम टूर लगाएंगे, क्योंकि ये हमारी बका का सवाल है और हाला मटियारी बल्कि पूरे आवाम की बका का सवाल है जो सांगर तक जाके लगते हैं। तो हम इंशाल्लाह इसका दौरा करेंगे और उसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे कि हमारे लोगों में वही ख़तरा बाकी रहे। तो मैं खुद जाऊंगा जाके इसको देखूंगा ये क्या है, क्योंकि कुछ भी हुआ तो नुकसान तो हमारा होता है। अभी तक तो
हमने सिंध गवर्नमेंट ने जो इद्रीस राजपूत साहब हैं उनके हवाले काम किया हुआ है, क्योंकि वो एक सीनियर ब्यूरोक्रेट भी हैं, इरीगेशन से भी उनका बड़ा वास्ता रहा है और उनकी नज़रदारी में हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि मैं उनको भी बुलाऊँ ताकि जो ये खदशे आते हैं तो वो उनके सामने हो। मैंने मिनिस्टर साहब को भी कहा है, सैफुल्लाह दारेजो साहब को भी, वो भी यहाँ पर आएँ, वो भी आके देखें क्या है, क्योंकि मुझे याद है कि लास्ट टाइम बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। हालांकि लोगों ने, मटेरी के लोगों ने, सैदाबाद के लोगों ने रातें जागकर हमने इसको सिंधु दरिया के बंद को बचाया था। हम तो अभी भी तैयार हैं, लेकिन हम चाहेंगे जो हुकूमत काम करे वो अपना पूरा हो, और उसके लिए जाहिर है हम नुमाइंदे हैं तो हमको ही आके वो सुपरवाइज करना पड़ेगा। कुछ नहीं हमारा सर, डिस्ट्रिक्ट मटेरियल में सर अमन अमान की सूरत जो है दिन ब दिन निभा करती जा रही है। ये कंडीशन आप पहुँचिए कि दिन दिहाड़े लोगों को लूटा जा रहा है, पिस्टल रख के जो छीने जा रही है, यहाँ तक कि जो हमारे ग्रुप वाले यूथ का जो सदर अहमदाज चाहेंगे उसके घर से जो है दिन को जो 1 बजे दिन दहाड़े जो उसके घर पे जो ताले तोड़ के लूट की गई है, और पुलिस को जब इतना करते हैं तो पुलिस कहती है हमारे पास कन्वेंस नहीं है, गाड़ी नहीं है, हम कैसे पहुँचे, उसके हिसाब से क्या है? देखें, जहाँ तक अमन अमान की बात है तो वो तो पूरे पाकिस्तान में आप देखें कि एक लहर छाई हुई है, एक लपेट में हम कि हर जगह पर अमन अमान की का फुकदान है, और जो हमारे साजिशी लोग हैं जो पीपल्स पार्टी को और हमारे कोलिजन पार्टनर्स को हुकूमत में नहीं देखना चाह रहे वो इसमें हैं कि अमन अमान भी ख़राब हो, लोगों में बेचैनी भी फैले ताकि लोग समझें कि ये हुकूमत नाकाम हो गई है। हालांकि अभी आपने देखा कि जो साजिशें हुई तो उनके पीछे किन का हाथ था वो भी सामने जाहिर होकर आ गया। जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट मटेरी का सवाल है तो जब भी मैं आता हूँ तो मैं इनको कहता हूँ कि भाई मुझे भी प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास खुद अपने लोग हैं जो हमारे प्रोटोकॉल में होते हैं। बाकी इनके पास गाड़ियाँ नहीं हैं ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट को बजट मिलती है, थोड़ी डिफिशेंसी होगी, थोड़ी कमी होगी तो मैं अफसरान से पूछूंगा। बल्कि मैंने तो काफ़ी दिनों से ये तय किया है कि यहाँ पर एक हम खुली कचहरी लगाएंगे जो अमन अमान के बारे में होगी, क्योंकि जितने भी DPOs आए हैं उनसे हमारा यही रहा है कि हमारे शहर में जो एक स्कूटर स्नैचिंग है, मोबाइल स्नैचिंग है, और जो लोगों के घरों में घुस जाते हैं लोग, ये वो लोग हैं जो दूसरे हमारे हालांकि नहीं है, डिस्ट्रिक्ट मटेरी के नहीं है, जो बाहर से आए हुए लोग हैं।